आज का हमारा टॉपिक है एकता, यूनिटी और भाईचारा। आज के इस टॉपिक की शुरुआत में एक मंत्र के साथ करना चाहूँगा। जहाँ एकता होती है सफलता वो रास्ता ढूंढ ही लेती है, जहाँ एकता होती है सफलता वो रास्ता ढूंढ ही लेती है। जी हाँ दोस्तों, जीवन के जिस भी क्षेत्र में, चाहे वो फैमिली हो, सोसाइटी हो, कंपनी हो, स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, स्टेट हो, कंट्री हो, या वर्ल्ड वाइड लेवल पर हो, जहाँ भी आप चाहते हैं कि तरक्की हो, प्रोग्रेस हो, हैप्पीनेस मिले, वहाँ पर एकता का होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी खेल में जो ग्रुप में खेला जाता है, चाहे वो क्रिकेट और फुटबॉल हो, होगी जिस टीम में की यूनिटी ज़्यादा अच्छी होगी, वो टीम की जीतने की संभावना दूसरे से कहीं ज़्यादा गुना बढ़ जाएगी। तो अगर हमारे जीवन में हमारे चारों तरफ हम लोगों के साथ एक होकर रहते हैं, तो हमारे चारों तरफ भी तरक्की, प्रोग्रेस और खुशियाँ दूसरों के मुकाबले काफ़ी गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगी। एक कहानी मैं यहाँ पर आपसे शेयर कर दूँ तो, एक किसान था। किसान के पांच लड़के थे। पांचों लड़के आपस में लड़ाई झगड़ा किया करते थे। वो किसान बहुत सुखी था, समृद्ध था, बहुत दौलतमंद था, लेकिन उसे एक चिंता सताती रहती थी कि मैं आखिर नहीं हूँगा उस वक्त इनका क्या होगा। उस वक्त कोई भी इनका फ़ायदा उठा सकता है, इनका नुकसान कर सकता है, इन्हें बेवकूफ़ बना सकता है। आखिर उसने एक दिन एक युक्ति सोच ही ली। उसने अपने सभी लड़कों को अपने पास बुलाया और एक एक लकड़ियां सबके हाथ में दे दी और कहा कि इन्हें तोड़ कर बताओ। सभी लड़कों ने आसानी के साथ लकड़ियां तोड़ दी और हंसने लगे। तभी उस किसान ने पांच लड़कों के बराबर पांच लकड़ियां ली और एक गट्ठा बनाकर उनको दे दी और कहा कि अब इसे तोड़ कर बताओ। सभी लड़कों ने कोशिश करी, लेकिन किसी से भी वो लकड़ियाँ नहीं टूटी। तब किसान ने कहा कि इस एक लकड़ी की तरह अगर तुम रहोगे तो तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है, तुम्हें कोई भी हरा सकता है, तुम्हारा कोई भी फायदा उठा सकता है, लेकिन अगर एक हो गए तो तुम्हारे को हराना, तुम्हें नुकसान पहुंचाना और तुम्हारा फायदा उठाना नामुमकिन हो जाएगा। याद करिए दोस्तों वो दिन जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। उस वक्त हमारे बीच में एक भाईचारे का ही रिश्ता था, एक यूनिटी थी, एकता थी, और यही वजह थी कि अंग्रेज हमसे डर कर भाग गए। लेकिन उसके बाद हमारे बीच की जो एकता थी उसे हटा दिया गया, उसे तोड़ दिया गया, उसे मिटा दिया गया। और यही वजह है कि आज 135 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या वाला देश होने के बाद भी हमारे देश की 60% से ज़्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे जी रही है। ये बहुत दुख की बात है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश में तरक्की आए, खुशहाली आए और हर इंसान तरक्की कर सके और सफलता हासिल कर सके, तो उसके दिल में ये सूत्र को जरूर पहुंचाने में मेरी मदद करें कि जहां एकता होती है सफलता वो रास्ता ढूंढ ही लेती है, जहां एकता होती है सफलता वो रास्ता ढूंढ ही लेती है। जिस दिन ये सूत्र तमाम हिंदुस्तानियों के दिल में पहुंच गया, वो दिन हिंदुस्तान को कामयाब होने से, सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद, जय भारत।